टेस्ट किया गुस्से? यस सर। आज आपको टेस्ट करना आता है? यस सर। किस किस को आता है जल्दी बताइए। ठीक है, इसके बाद आपने आपने पावर एसी लगाई? यस सर। सीपीयू रिवॉल्व किया? यस सर। आपने सीपीयू लाइव लगाया? यस सर। किस किस ने लाइव लगाया सीपीयू? हां सर, सबने लगाया। यस सर। बराबर? यस सर। कोई गलती से तो नहीं लगा? नो सर। कि सर हमसे एक बार ये गलती से लगवा दिया, दूसरी बार हमसे देख ही रहे सेट है सर? नहीं सर। तो मतलब उसके बाद क्या मैंने आपको जो भी डायग्राम्स पढ़ाए, वी बैक स्पीकर या दुर्गे सर ने लाइट ग्राफिक्स, क्या हमने पूरा बोर्डियो का छाप कर पढ़ाया? नो सर। क्या हमने आईसी के पैड को नहीं बताया? बताया सर। क्या हमने सब कुछ बताने के बाद आपसे प्रैक्टिकल नहीं करवाया? आपने वी बैक पर पूरा सीपीयू का ट्रेस किया? हेलो। आपने लाइट बनाई? हेलो। आपने ग्राफिक्स के बॉल को चेक किया? चार्जिंग का ट्रेस किया? नेटवर्क के एक एक पैड को ट्रेस किया? किस किस ने किया जल्दी बताओ। डेड फॉर्म के अंदर कंसेप्ट कितना इजी किया मैंने, आप सोच नहीं सकते। आज बाहर का आदमी मैसेज करता है हमको कि अरे तो फुद्दू बनाते हैं ये, ऐसा तीन दिन में कोई सीपीयू लगा ही नहीं सकता, तो हम उस पर हंसते हैं खाली। हेलो सर। हम उसको समझाएंगे नहीं? यस सर। उनको हम तब तक नहीं समझा सकते जब तक यहाँ बिठा नहीं दें, क्योंकि आप लोगों से भी जब पहले दिन बोला गया था तब आपको भी लग रहा था कि इतना होगा। हेलो सर। थोड़ा बहुत दिमाग में होगा कि क्या मैं लगा लूंगा? हेलो। मैं तो साला आज तक नहीं लगा पाया, ये कैसे लगवा देंगे वो भी इकट्ठे एक साथ इतने लोगों को? और ये पॉसिबल हुआ? हुआ भी नहीं हुआ? हाँ हुआ। फिर उसके बाद में सॉफ्टवेयर के लिए दुर्गे सर आए आपके पास, तो दुर्गे सर आपने क्या क्या पढ़ा है पहले बताओ। तो सॉफ्टवेयर में जैसा आप लोगों ने देखा बेसिक से हमने स्टार्ट किया। yes, sir. Sir, बेसिक से स्टार्ट किया कि क्या नीड होती है, ड्राइवर कैसे चलाते हैं, बूटिंग कैसे होती है, फाइल का नॉलेज क्या होता है, टूल किस टूल कब टूल कौन सा चलाना है, यूएमटी कब यूज करना है, अनलॉक टूल कब यूज करना है, सारे एरर्स को आपको बताया। yes, फिर उसका प्रैक्टिकल दिया। yes, और सारे एरर आपके सामने लाइव सॉल्यूशन। yes, और आपको अनलॉकिंग विदाउट डाटा लॉस विद डाटा लॉस सारी फ्लैशिंग आपके सामने लाइव कराई। yes, तो आपने सर आपने क्या पढ़ाया पहले ये बताओ, आपने क्या क्या दिया, इन्हें क्या क्या लिया? हमने जो एमएमसी रैम रोम होता है बेसिक से समझे। सेल कैसे काम करता है, सिंगल सेल कैसे है, डबल सेल कैसे है, मल्टी सेल कैसे है, इस तरीके से चार्ज डिस्चार्ज होता है, फोन में कैसे काम करता है। और उसके बाद हम देखे कि प्रोग्रामिंग, हमने प्रोग्रामिंग जो जिस लेवल पे सीखे हैं कोई यूट्यूब का नॉलेज है क्या? नो सर। ये हमारी एशिया टेलीकॉम की नॉलेज है। yes, sir. इसको हमने आपके सामने कम से कम एक दो फोनों में 31 हैंडसेटों में काम किया। yes, sir. वो चाहे एमएम से चेंज हो, चाहे एमएम से रिपेयर हो, और चाहे रैम अपग्रेड हो, और चाहे रोम अपग्रेड। yes, इस तरीके से हमें कौन सा कंफर्टेबल आईसी लेना है, किस तरीके से रिपेयर करना है, बिना हेल्थ रिपेयर के कैसे फोन को चालू करना है, हेल्थ रिपेयर के साथ कैसे चालू करना है, और साथ ही साथ अगर हमें एक इमरजेंसी अगर डेड आया, डेड के बाद हमें विदाउट बैकअप किस तरीके से प्रोग्राम करना है, और विदाउट बैकअप के साथ हमने किस तरीके से नेटवर्क को भी लाना है, ये सारा हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। yes, साथ ही साथ हमने जो सीखा है ऑन कॉपी आपके पास हर एक चीज का नोट्स है। yes, sir. है yes, sir. ठीक है। अब चलो ये तो था जो आपको सिखाया गया है, और आज डुअल डे के क्लास हुई। yes, डुअल डे का देखा जाए तो डुअल डे का तो दूसरे दिन से ही कर रहे हैं भाई। yes, आईसी रिबोलिंग। हेलो। yes, हाँ। खैर, और एमओलईडी की क्लास कैसी गई? किस किस को समझ में आई? yes, इवन नैंड की क्लास किस को समझ में आई? yes, और आपको लगता है कि आगे जाके आप लोग इसको कर सकते हैं? yes, पीछे वाला, अरे तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें हाँ इसको नीचे लाओ, इसको पीछे, हाँ ऐसा पकड़, अब स्क्रैपर को ऐसे पकड़, अब उसको नीचे ला। सर हम लोग का बड़ा है। अब तो कहाँ होता है? हाँ
चला यहाँ से पकड़ो अभी तो अबे इधर इधर पकड़ो तो थी तीन हुए ठीक अब जैसे ऐसे पकड़ोगे तो आपका स्क्रबर फ्लैट हो ऐसे नहीं हो ठीक है अब वही पेस्टेड आईसी रिमूव करने की जो हीट है वही हीट से हम इसको रैम को हीट करेंगे किसको रैम को और जहां पे स्क्रैचेस किए थे क्या कहते स्क्रैचेस तो आपको एक जगह मिल जाएगा कि कहां पे स्क्रैपर को मेरे को डालना है कहां पे स्क्रैपर को मुझे डालना है नहीं तो अगर स्क्रैचेस नहीं करोगे तो आपको मिलेगा नहीं कहां डालना है है ना यस सर कहां स्क्रैच करना है नो स्क्रैच पॉइंट के ठीक ऊपर अब देखो मैं किस तरीके से रैम को रिमूव कर रहा हूं ये स्क्रैपर गया और धीरे 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 जिस तरीके से हमने पेस्टेड आईसी में हमने क्या कर रहे थे डाल रहे थे फटाक से उठा दे रहे लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको धीरे 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 लाना है अब ये मेरा रिमूव हो गया क्या क्या रिमूव हुआ अब सेम चीज यूज करेंगे किसमें अब मैं इसको हिट करूंगा ऊपर वाला रैम का पॉइंट है ये अगर मेल्ट हो जाएगा तो नीचे का भी क्या हो जाएगा अब रैम और सीपीयू हमारा रिमूव हो रैम में मेल्ट पॉइंट पर नहीं होता है होता है होता है जैसे डाल का इसमें भी नॉट नेट पॉइंट है लोस्ट पॉइंट इसमें भी होगा ना सर तो आईसी मतलब तो लोस्ट पॉइंट होगा ना जी किस तरफ से लगा सकते हो क्या तो सर इतना बॉल जो निकला हुआ है इससे कुछ करना है अरे तो जाओ तुम तो मैं देख अब क्या है तो एनसी अब सीपीयू जब आप खोलेंगे खोलने के बाद देखो देखना आपके पास दो तरीके की सीपीयू एल्गोरिथम कराएगा कितने तरीके दो तरीके आवाज क्यों निकाल दो तरीके देखो थोड़ा सा और जूम करो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना ये yes, sir. आपको दिख नहीं रहा है ट्रे जैसा है yes, sir. ट्रे, 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 एक ट्रे जैसा yes, sir. है तो देखो अगर आपको सीपीयू खोलने के बाद क्या खोलने सीपीयू खोलने के बाद अगर ये सीपीयू के ऊपर कहाँ पे सीपीयू के ऊपर बोलो सीपीयू के ऊपर ट्रे मिला तो मुझे सीपीयू के ऊपर नीचे और साथ में रैम यस सर तीनों चीज रिवॉल्व करना है अगर मेरा सीपीयू रैम खोलने के बाद मैंने देखा यहाँ पे प्लेन सरफेस है जैसे आईसी के ऊपर से पीसीबी के ऊपर सरफेस है वो सरफेस है तो मुझे क्या करना होगा सीपीयू के नीचे और रैम को रिवॉल्व करना है अब इस फोन में क्या सीन है कि सर इसमें क्या है कि ट्रे जैसा है क्या ट्रे जैसा तो मुझे सीपीयू के ऊपर नीचे और रैम को भी रिवॉल्व करना ठीक है तो चलिए सबसे पहले पीसीबी को क्लीन करते हैं इसको पीसीबी को पीसीबी को क्लीन करने के लिए हम वही तरीका यूज करेंगे कौन सी रिसोल्ड रिसोल्ड और क्लीन रिसोल्ड
क्या करेंगे? जैसे ही मैंने क्या कर लिया, अब हम क्या करते हैं कि सर ब्लू को क्लीन करते हैं, क्या करते हैं ब्लू को क्लीन। अब आपने तो दिख रहा है ब्लू तो है ही नहीं, लेकिन ब्लू है। अब क्या है, व्हाइट पेस्टेड, ये होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है ट्रांसपेरेंट? देखो जैसे कोई कुछ भी नहीं करना है, ना हीट करना है ना कुछ करना है, खाली हल्का से क्या करना है, स्क्रैपर को चलाना है। देख रहे हो क्या निकल रहा है? ये अगर रह जाएगा तो आपका सीपीयू बैठेगा नहीं प्रॉपर। फिर एक बार फाइनल क्लीनिंग कर देते हैं, फिर देखेंगे जो प्रिंट उखड़ा है वो एनसीए की। अब क्या करेंगे वो, मैं तो आपको दिखा एनसीए की नहीं है, कैसे जानते हैं कि सर कोई लाइन आता है या बीच से हमें गोल्डन पॉइंट्स हो या सेकंड लेयर की या फर्स्ट लेयर की। अगर इसमें मैं देखूं कहीं पर भी आपको लाइन दिख रहा है, ये सारे एनसीए और सैमसंग की फोन में एनसी जाएगा ही जाएगा। अब उसको रोक लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आईसी क्लीन करने के। अब सीपीयू के ऊपर नीचे दोनों तरफ क्लीन करना है। हमेशा ध्यान देना है आपको कि सीपीयू के नीचे सबसे पहले क्लीन करना, नीचे सबसे पहले क्लीन करना। अगर आप ये क्लीन कर दोगे सबसे पहले सर, तो इसको पलटा के फिर ये क्लीन करोगे सर, तब तक ट्रे में फिर से क्या घुस जाएगा? तो सबसे पहले सीपीयू के नीचे। तो आपको मैंने बहुत सारे तरीके से दिया। अब यहाँ पर कौन सी तरीके यूज करें? 20 सेकंड बाद
आपको यहाँ पे एक कट दिख रहा है, यहाँ पे एक कट दिख रहा है, ये छोटा यू जैसा बन रहा है, ये बड़ा यू जैसा बन रहा है, ये जो बड़ा यू है क्या है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, ऊपर का पूरा ग्राउंड है। रैम कनेक्टिविटी लाइन कहाँ है, छोटे यू में। तो आपको क्लीनिंग करने के टाइम पे क्या करने के टाइम, क्लीनिंग करने के टाइम पे ज्यादा ध्यान देना है इसी के ऊपर, किसके ऊपर, नीचे के ऊपर, ये छोटे वाले में। बड़ा क्लीन हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट रैम का कनेक्ट हुआ नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। यस सर। अब जो सीपीयू खोलने के बाद दोनों बराबर सी मिलेगा या दोनों बराबर यू मिलेगा, वो दोनों ही काम का है। जो सीपीयू खोलने के बाद एक छोटा एक छोटा बड़ा मिलेगा तो छोटा काम का होगा, बड़ा काम का नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्लीनिंग करने के लिए आपके पास जो डिसोल्डर वायर है उसको सबसे पहले दूर रखना है। अगर आप सीपीयू के ऊपर डिसोल्डर वायर यूज करेंगे तो आपका सीपीयू बेकार हो जाए, क्योंकि हमें ट्रे को ट्रे ही रखना है, डिसोल्डर वायर डालेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूरा है ना। तो देखो इसके वो क्लीन करने के तरीका क्या है, सबसे पहले आईसीयू रखा और डालूंगा क्या, रोजिन, क्या डालूंगा, रोजिन, ठीक है। अब रोजिन डालने के बाद मैं आयरन को फ्लैट घुमाऊंगा, फ्लैट मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे नहीं, खड़े में नहीं, है ना। देखो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे करके आयरन घुमाऊंगा तो क्या होगा, सारी बॉल आ रही है सर, है ना। यस सर। अंदर की जितने बॉल है वो सारी आपके आयरन में, अगर सीधा घुमाएंगे, ध्यान देना इसको प्रेस करके नहीं चलाना है, अगर ट्रेन मिस हो जाएगा तो दिक्कतें पड़ेगी, है ना। अब मेन काम क्लीनिंग करना है,
फिर हम कहाँ देंगे? नीचे को छोटा यू के पास। इस तरफ यस सर। अब एक ब्रश ले लो और ये घिसेंगे दबा के, है ना? यस सर। और सूखा नहीं घिसना है, क्या नहीं? सूखा नहीं घिसना है, मतलब आपका थिनर वहां पे रहना चाहिए, सूखा नहीं घिसना। देख लेना है कहीं डस्ट तो नहीं है। जितना अच्छा क्लीनिंग होगा उतना अच्छा आपका काम होगा, ठीक है? मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट, यहाँ पर थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा करके डस्ट है। मैं एक बार क्या करूंगा, ब्रश को अब मैं क्या करूंगा कि सर अब रिवॉल्व करने के टाइम, किसको रिवॉल्व करने के टाइम, अब मेरा क्लीन हो गया ना सर, अब मेरा रिवॉल्व करने के टाइम। अब जिस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले क्लीनिंग कौन सी तरफ हमने किया था? नीचे की तरफ किया था, यस सर। लेकिन रिवॉल्व करने के टाइम पे सबसे पहले सीपीयू के अपर साइड करना होगा, और इसको रिवॉल्व करने के लिए कोई भी स्टेंसिल नहीं आता, इसको हाथ से ही आपको रिवॉल्व करना होगा। इसे हाथ से कैसे करना होगा, देखो पीपीटी पेस्ट लेना है, हल्का सुखा लेना है, उसके बाद इस तरीके से इसमें फील करना, ये जो ट्रे है ना सब में पीपीटी फील है ना। पीपीटी फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको किसी भी क्लॉथ से इसको क्या कर लेना है, जैसे दाब दबा के ऊपर की जितना एक्स्ट्रा पीपीटी है उसको सारे की क्या करते हैं, ठीक है? अब हीट एयर आपका चेंज, बाकी क्या अभी तक कोई भी हीट एयर चेंज नहीं हुआ। अब हीट कितना होगा, 300, कितने में? 300। जो सबसे आपकी मशीन में सबसे जो कम है, और मेरे इस मशीन में डिजिटल है तो 20 और उसमें 1 है ना, डिजिटल में 20, डिजिटल में 20। देखो मैं किस तरीके से रिवॉल्व करता हूँ, और
देखो अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ऐसे हीट करूंगा, देखो एक साइड से ऊपर तक, मैं डायरेक्ट आईसी को हीट नहीं दूंगा, डायरेक्ट आईसी को हीट नहीं दूंगा, बाहर तो दूंगा। अब जैसे बॉल बनना चालू हुआ, yes, sir. एक बॉल बना, yes, sir. एसएमडी पीछे, एसएमडी तुरंत पीछे, अब फिर से एक दो बॉल बनाऊंगा, फिर पीछे, एक सब बनाओगे तो एक दूसरे में उठ के बैठ जाएगी बॉल, कौन भाई वो ऐसे अब मुझे देखना है कि कौन सी बॉल नीचे लगा है और कौन सी बॉल नीचे लगा नहीं है। देख दूसरा कलर है, ये वाला बॉल दिख रहा है आपको और ये वाला बॉल दिख रहा है, ये नीचे लगा दिख रहा है नीचे डस्ट, ये भी दिख रहा है ना। हमें क्या करना होगा, कोई भी एक नुकीली चीज लेके इसके अंदर से डस्ट को और इस तरह देखो तो ये वाला है ना, yes, sir. और देखो तो हिलेगा वो नीचे सरफेस में नहीं लगेगा तो क्या होगा तो थोड़ा सा हल्का सा ले लेते हैं क्या रिलैक्स, और रिलैक्स करने के बाद वहां पे क्या कर देते हैं और हम चले जाते हैं बड़े वाले सी में, बड़े वाले सी से क्या करते हैं बॉल को यहाँ से भी, और बड़े वाले सी में बॉल हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गया ना yes, sir. ये वाला है ना। अब मैं क्या करूंगा, सीपीयू के नीचे रिवॉल्व करूं, जब तक मैं सीपीयू के नीचे रिवॉल्व कर रहा हूं तब तक आपके पास जो बोर्ड है उसका शील्ड निकालो, खाली शील्ड निकालो, नहीं बैठ बैठ Thank you.
बोर्ड में फिक्स करो डिस्ट्रीब्यूशन रोस्टैंड पॉइंट को राइट साइड में रेडी करके डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स करो सीपीयू बोर्ड में फिक्स होने के बाद क्या बोले सीपीयू बोर्ड में फिक्स होने के बाद सीपीयू
सीपीयू बोर्ड में फिक्स होने के बाद क्या है कि सर हमें डीसी रीडिंग चेक करना है। कभी भी सीपीयू बोर्ड में फिक्स होने के बाद रैम लगाना नहीं है या बोर्ड भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डीसी रीडिंग चेक करना है। डीसी रीडिंग चेक करना, डीसी रीडिंग 0.090 नोट करो फटाफट, 0.0 देख लिखो। सीपीयू फिक्स करने के बाद डीसी रीडिंग जीरो पॉइंट टू डबल जीरो बीच में स्टक होना चाहिए। अब नोटिस करो, मैं यहां पे इधर ये मैंने देखो, मैं यहां पे डीसी रीडिंग पावर की प्रेस किया कितने में रुक गया, 1.22 हमारे रीडिंग के बीच, 1.22 हमारे रीडिंग के बीच में है कि नहीं, 90 से 200 के बीच में है कि नहीं। यस सर, इसका मतलब मेरा सीपीयू सही से लगा हुआ है। अगर मेरा डीसी रीडिंग सही से नहीं आता तो इसका मतलब मेरा सीपीयू, ये रीडिंग है सीपीयू सही से लगा नहीं है, सीपीयू बैठा नहीं है, या सीपीयू के अंदर जो आपने बैठा है वो बल्ब जुड़ गया है, या हाई बूटिंग जा रहा है या लो बूटिंग जा रहा है, तो सीपीयू लगा नहीं है सही से, या तो सीपीयू अगर जुड़ गया है अंदर तो सीपीयू के अंदर बल्ब जुड़ गया है तो हाई बूटिंग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? हाई बूटिंग चला जाएगा। अब आपको, अब हम रैम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? रैम लगाने से पहले आपको खोलना है सिर्फ और सिर्फ रैम। क्या खोलना है? रैम और सीपीयू रिमूव करो, रैम और सीपीयू रिमूव करो। अनिल राम लू सीपीयू निकल गया पूरा, चल दोनों निकल गए। दुर्गा सर, thank you.
सिक्योरिटी कुछ है ये नोट कर देते हैं खुल गया नहीं सर खुल नहीं रहा देखो खुल नहीं रहा अब हम क्या करेंगे खाली डीसी रीडिंग 0.090 से ध्यान देना आप की जैसे Xiaomi के हैंडसेट Xiaomi की Poco X3 Pro क्या X3 Pro उसमें रीडीसी रीडिंग स्टक नहीं होगा उसमें 0.0180 से रिटर्न आ जाएगा जीरो तो समझना मत सीपीयू खराब है ना खाली वही मॉडल में लेकिन वन प्लस में स्टक होगा आप अगर जाएंगे किसमें कि सर सैमसंग के जितने भी फोन में वो सारे में स्टक होगा सर Xiaomi के 2-3 मॉडल ऐसा है जिसमें स्टक नहीं होगा तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं सर उस कंडीशन में ईडीएल पॉइंट को सॉर्ट करके चेक करते हैं पोर्ट बन जाएगी नहीं है ना अगर डीसी रीडिंग स्टक नहीं होता है तो आप एक बार जैसे डायनोक्स सीपीयू है ये वाला Samsung लिखा है ना ये देखो Samsung लिखा है ना तो डायनोक्स सीपीयू में टेस्ट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जिसके कारण इसमें हमें क्या करना होगा डीसी रीडिंग से पता करना होगा अगर हमारा हो गया कौन सा सर वेलकम मीडिया डेक तो टेस्ट पॉइंट से हमें चेक करना होगा ठीक है अब हमने इसको सीपीयू को बोर्ड में फिक्स कर लिया और सीपीयू को बोर्ड में फिक्स करने के बाद हमने देखा हमारा क्या हो चुका है डीसी रीडिंग हमारा रीडिंग के हिसाब से आ चुका है यस सर मतलब इसका मतलब मेरा सीपीयू सही से लग गया है अब हम रैम को लगाएंगे क्या लगाएंगे रैम को रैम को लगाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेलना पड़ेगा गेम क्या है कि ये जो हम आप रैम लगा रहे हैं ये रैम किसी सरफेस के ऊपर नहीं लग रहा है ये नीचे भी बॉल है ऊपर भी बॉल बॉल के ऊपर बॉल बैठ रहा है ना yes, नीचे भी बॉल है ऊपर भी बॉल तो इसमें आपको जो चीज ध्यान देना है मैं आपको बताते जा रहा हूं सबसे पहले जो पेस्ट लगाएंगे क्या लगेंगे पेस्ट वो सेंटर में नहीं आना चाहिए किसमें नहीं आना चाहिए सेंटर में आएगा तो क्या होगा तो वो भाग जाएगा सर सर ये जो पेस्ट है ना ये हीट से भाप बनता है अगर सेंटर में आएगा तो आप हीट लेंगे वो भाप बनेगा तो आपका एक साइड वो तो निकलेगा ना एक साइड उठ जाएगा ठीक अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेंटर में बिना देखे हम इसको फिक्स करेंगे रैम को अपनी जगह में फिक्स करेंगे ठीक है अब रैम को अपनी जगह में फिक्स करेंगे और हीट देंगे ठीक देखो अब हीट देने के बाद जब हम फाइनल टच देंगे क्या फाइनल टच तो कभी भी सिंगल रैम को पहले नहीं देंगे पहले दोनों को देंगे क्या देंगे दोनों ताकि ऊपर वाला एग्जॉस्ट होकर बैठ जाए उसके बाद आप सिंगल रैम को टच नहीं समझे ये सीपीयू ये रैम दोनों को साथ में हिलाएंगे पहले तो ऊपर वाला सही से बैठेगा है ना उसके बाद आप चाहो तो इसको सिंगल रैम को टच कर सकते हो लेकिन एट फर्स्ट सिंगल रैम को टच नहीं करना दोनों को देखो you
दोनों को दिया? यस सर, सिंगल है ना, आप चाहो तो सिंगल रैम, आप सिंगल रैम दे भी सकते हो नहीं भी सकते, लेकिन अगर आप सिंगल रैम को टच करना चाहते हो तो सबसे पहले जो करना है आपको दोनों को टच करना है ना, ताकि ऊपर वाला सही से, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को संतुष्टि नहीं हुआ, मैं और एक बार टच करना चाहता हूँ, अब आप सिंगल रैम टच करो, कोई दिक्कत नहीं। जो आईसी लगाने वाला नहीं है ना, जो सीपीयू लगाने वाला नहीं है ना, अब बोर्ड को ठंडा करेंगे, अब चेक करेंगे क्या डीसी रीडिंग, हमारा डीसी रीडिंग अगर इससे जो रीडिंग हमारा था पहले कितना था डीसी रीडिंग पहले था 1.22 अगर डीसी रीडिंग हमारा नॉर्मल बूटिंग में चला जाता है, कैसे जाता है नॉर्मल बूटिंग, 20 10 11 20 15 16 20 22 30 40 नॉर्मल, इसका मतलब फोन हमारा ऑन हुआ। अगर हमारा फिर से डीसी रीडिंग स्टक हो जा रहा है, क्या हो गया स्टक हो जा रहा है, इसका मतलब मेरा रैम सही से लगा नहीं है। अगर डीसी रीडिंग मेरा हाई बूटिंग चला जाता है, क्या चला हाई बूटिंग मतलब क्या, पूरा एक साथ 200-300 से चालू हुआ, एक साथ 200-300 से चालू हुआ, वही एक एम्पियर जा रहा है, 80-90-100-800-200-800-1000 जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर मेरा रैम जो लगाए हैं उसके अंदर पैड्स, क्योंकि हमने तो सीपीयू तक हमारा तो हाई बूटिंग नहीं जा रहा था, अगर हम रैम लगाने के बाद हाई बूटिंग जा रहा है तो रैम हमारा सही से लगा नहीं है, अगर रैम लगाने के बाद हमारा डीसी रीडिंग वही स्टक हो जा रहा है, इसका मतलब रैम हमारा सही से लगा नहीं। अब मैं देख लेता हूँ, नहीं है क्लीनिंग मास्टर इंपॉर्टेंट इसमें और कुछ नहीं है,
और आपको यहाँ पे जबरदस्ती करोगे तो आपके साथ कस्टमर जबरदस्ती करेगा। इस काम में बॉडी बिल्डर लोगों की काम नहीं है ये काम। यस सर। कोई भी बॉडी बिल्डर लोगों का काम नहीं है यहाँ पे। आपको आराम से पेशेंट से क्लीनिंग के ऊपर ये हो सके सर, मैं तो सर हो जाओ 20 मिनट में कर दूंगा या तो 30 मिनट में कर दूंगा, भले ही आपको 2 घंटे लगे, लेकिन 2 घंटे के बाद दूसरी काम जो करेंगे आप तो उसमें 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। धीरे 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 कम होता रहेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम लगेगा सर, उतना कम टाइम लगेगा। और कुछ है क्लीनिंग और ट्रेनिंग और कुछ नहीं। ध्यान देना आप लोग अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो। यस सर। आपको ट्रेनिंग पीरियड मतलब आपको अभी कस्टमर के हैंडसेट में ये काम करोगे तो पास हो, तो आपको अभी जो है या तो सेकंड हैंड फोन खरीदो या वायरलेस का खरीदो या स्क्रैप बोर्ड से प्रैक्टिस करो, ऑन बोर्ड उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो। जिसके कारण हमने अपनी तरफ से आपको एक एक बोर्ड दिया है कि आप एक बार करके चेक करो कि कैसे होता है। सबके पास कबड्डी करेंगे नो सर? नहीं, देखने से क्या हो जाएगा, करना तो चाहिए ना, कैसे होगा है ना। चलो कंटिन्यू करो। मैं मजा किस किस को आया आज? पहली बार हुआ कि एक टीम जीती और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। यस सर। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू। थैंक यू।